अलैकुम व्यूवर्स, ये 1 किलो मछली है जिसे मैंने धो के खुशक कर लिया और फिर इसमें मैंने ये कट लगा लिए ये इस तरीके से। और अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो उसके लिए 1 टेबल स्पून लहसुन जिसको मैंने फ्रेश पीसा है, 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टीस्पून पिसी हुई हरी मिर्च और 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस, वो इसमें सारी चीज़ों के अंदर मिक्स कर दें। मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं और अब इसको मछली के ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं। अब इसको मछली के ऊपर इस तरह इसके जो कट लगे हैं सारे इसके अंदर इस तरह अप्लाई कर लें। मैंने लहसुन अदरक का जो मिक्सर था वो हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा लिया है और अब इसे 10 मिनट के लिए रख दें। उतनी देर में हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 स्पून नमक, 1 पीसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 स्पून पिसी हुई काली मिर्च। अब 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, उसको हाथ में लेके मसल के इसमें डाल दें। 1/2 टीस्पून अजवाइन, उसको भी हाथ में लेके मसल के वो भी इसमें डाल दें। 4 टेबल स्पून बेसन बाइंडिंग के लिए, 2 टेबल स्पून चावल का आटा, इसे बहुत क्रिस्पी से होंगे, आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसमें इसे मिक्स करें। मसाले को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। पानी इसमें ना तो आपने ज़्यादा डालना कि ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। और अब इसको हम मछली के ऊपर लगा लेते हैं। और इसी तरह आप सारी फिश के पीसेस पे ये लगा लें। मसाला मैंने इसको अच्छे तरीके से लगा लिया और अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अब फिश के साथ हम एक चटनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1/2 कप ड्राई खुबानी ली है, 1 टेबल स्पून इमली। अब दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से धो के और पानी में भिगो के रख दें। मिनट के बाद एक देचकी लें और इसमें जो भीगी हुई खुबानी है वो इसमें डाल दें। अब इमली है जिसको मैंने भुगोया था उसका मसल के ताकि उसकी गुठलियाँ अलग हो जाएं और इसको स्ट्रेन करके इसमें डाल दें। 1/4 कप चीनी, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ही कुटी मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक, इसे मिक्स करें और अब इसे लो फ्लेम पर कुक करें। चटनी को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब आप इसमें शुगर भी चेक कर लें, इसमें देखिए खुबानी हमारी बिल्कुल गल गई है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ठंडा करने के बाद पीस लें। कढ़ाई लें, उसमें ऑयल ऐड करें, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। ऑयल हमारा तेज़ गर्म होना चाहिए, अगर हमारा ऑयल ठंडा होगा तो ये जो कोटिंग है वो उतर जाएगी। दो तीन मिनट तक इसमें चम्मच से चलाना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद इसकी साइड चेंज करें। फिश दोनों साइड से फ्राई हो गई है, इसको टोटल मैंने 6 से 7 मिनट तक फ्राई किया है। और अब इसी तरह हम सारी फिश फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करते वक्त 2-3 बातों का ख्याल रखें कि एक तो जब इसको फिश डालें तो इसमें ऑयल का टेम्परेचर तेज़ गर्म होना चाहिए और बाद में जब आप फिश के पीस डाल लें तो फिर उसके बाद इसका टेम्परेचर लो कर दें। के पीस डालें तो उसमें दो तीन मिनट तक आपने चम्मच नहीं चलाना, नहीं तो उसकी कोटिंग उतर जाएगी। और अब लाहौरी फ्राई फिश सब के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।